साउथ अफ्रीका टीम से हारने के बाद भी भारत टीम पहुंची टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में। आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत टीम ने अब तक टोटल 3 मुकाबले खेले हैं। 3 में से केवल एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट के अंतर से। उससे पहले भारत टीम ने नीदरलैंड को 56 रन से राउंड डाला था और पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। उस मुकाबले भारत टीम ने आखिरी बॉल पे 4 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया था और वहीं से पाकिस्तान की टीम की रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख दिया था भारत टीम ने। अब आपको बताते हैं भारत टीम कैसे पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। दोस्तों भारत टीम ने 2 मुकाबले जीते 3 में से और प्रत्येक टीम को 5-5 मुकाबले खेलने हैं, यानी कि भारत टीम के 2 मुकाबले अभी बाकी हैं और 2 मुकाबले जीत करके और पॉइंट टेबल में नंबर 2 पे है। 2 मुकाबले जीत करके 4 पॉइंट के साथ बाकी के बचे दोनों मुकाबलों को भारत टीम को अभी खेलना है। भारत टीम को अपना चौथा मुकाबला 2 नवंबर को खेलना है बांग्लादेश से, जिसे आसानी से भारत टीम जीत लेगी। उसके बाद 5वां और आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे से खेलेगी भारत टीम। जिम्बाब्वे को बहुत आसानी से भारत टीम हरा देगी और फिर भारत टीम के हो जाएंगे 8 पॉइंट और 8 पॉइंट के साथ भारत टीम बड़ी आसानी से सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी।